सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट। तो ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले आपने इसका एक जगह और नाम सुना था, वो नाम था जहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ बताई थी एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, कि वोल्टेज सोर्स को हम लोगों ने करंट सोर्स में चेंज किया था और बोला था एक दूसरे के ड्यूअल टाइप है, और एक जगह और कहाँ बोला था, जहाँ पे थेवेनिन्स और नॉर्टन काम कर रहे थे, तो वहाँ पर भी मैंने क्या बोला था, ये एक दूसरे के ड्यूअल नेचर है। और कहाँ देखा था हम लोगों ने, जहाँ स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार करा था, वहाँ पर भी हम लोगों ने क्या बोला था, एक दूसरे के ड्यूअल है। तो ये दो से तीन चीज़ें अभी तक ड्यूअलिटी के बारे में बताई थी, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताया था कि किस तरह से एक सर्किट को हम लोग ड्यूअल के अंदर चेंज कर सकते हैं। देखो ड्यूअलिटी का मतलब क्या है, ड्यूअलिटी का मतलब है कि फाइनल रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए। आरिबासन में किसी सर्किट का ओरिएंटेशन हम लोग बदल सकते हैं, बट उसका फाइनल रिजल्ट या फाइनल कंक्लूजन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपके सामने कुछ ड्यूअल के एग्जांपल दे रखे हैं, उन एग्जांपल्स को लेते हैं। अगर आपके पास वोल्टेज है तो उसका ड्यूअल क्या हो जाएगा, करेंट हो जाएगा। रजिस्टर है तो क्या हो जाएगा, उसका कंडक्टेंस हो जाएगा, जी हो जाएगा। एल का क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा। ओपन सर्किट का क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ड्यूअल नेचर, ठीक है। सीरीज का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। KVL का क्या हो जाएगा, KCL हो जाएगा। लिंक का क्या हो जाएगा, ट्विक हो जाएगा, ठीक है। ये अभी पढ़ाऊंगा मैं ग्राफ थ्योरी में, लिंक और ट्विक क्या होता है ये सब पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद स्टार का क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। थेवेनिन्स का क्या हो जाएगा, नॉर्टन हो जाएगा, ठीक है। स्विच ओपन हो जाएगा तो स्विच इसका ड्यूअल क्या हो जाएगा, स्विच क्लोज हो जाएगा। जैसे ट्रांजिएंट में क्या होता है, स्विच ओपन क्लोज होता है, तो स्विच अगर ओपन दे रखा है तो स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और नोडल का क्या हो जाएगा, मैश हो जाएगा। अगर कोई पूछे पावर का बताइए, तो पावर का ड्यूअल नहीं होता है, बिकॉज पावर इज नॉन लीनियर। क्योंकि जो भी ड्यूअल होता है, एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा कि ऑल ड्यूअल नेटवर्क इज अ लीनियर, जितने भी ड्यूअल है सबके सब क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, ठीक है। बट ऑल लीनियर नेटवर्क आर नॉट ड्यूअल, इस बात इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका कोई भी ड्यूअल नेचर नहीं होता है। इस वजह से स्टेटमेंट इस तरीके से बोला जा सकता है, ऑल ड्यूअल नेटवर्क इज लीनियर बट ऑल नेटवर्क आर नॉट ड्यूअल। आ रही बात समझ में। तो ड्यूअलिटी में बहुत ज्यादा देखो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी काम का नहीं है। ये यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स अभी जो अपना सेमेस्टर एग्जाम लिख रहे होंगे, तो वहां आपको ड्यूअलिटी आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, या फिर आपको ईएस के कन्वेंशनल में कोई ड्यूअलिटी एक सर्क्यूट दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका ड्यूअल बनाओ, बस ड्यूअल बनाने को आएगा, सॉल्यूशन कभी नहीं आता है, ठीक है। तो ड्यूअलिटी बहुत आसान टॉपिक है कि बस हमको क्या करना है, ये सपोज करो किसी नेटवर्क में कुछ एलिमेंट दे रखे हैं इस तरह से, स्टार है तो उसको डेल्टा में चेंज कर देंगे, रजिस्टर है तो कंडक्टेंस बना देंगे, सीरीज है तो पैरेलल कर देंगे, इस तरह से नोडल है तो मेश कर देंगे, इस तरह से सारी चीजें हम लोग लगाएंगे। अभी जल्दी से कुछ एक या दो एग्जाम्पल देख लेते, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि गेट के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए मैं खासतौर पर करवा रहा हूँ, और कभी ईएस के कन्वेंशनल में आपसे इक्का दुक्का टाइम पे कई बार नेटवर्क बनाने को आ सकता है, तो उसके लिए मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आप कम से कम अवेयर रहे, ठीक है। कल से सपोज करो गेट में एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि लिंक या स्टार या थेवेनिन्स या ओपन सर्किट का ड्यूअल क्या होता है, और एक नंबर में पूछ लिया, कुछ भी पूछा सकता है। पेपर कितना आसान बन रहा है आज की तारीख में, 2019 का पेपर देखो, बहुत इजी पेपर, तो इतने इजी पैटर्न में हो सकता है आपसे इस तरीके अगर क्वेश्चन पूछ लिए और आप थोड़ा भी अवेयर नहीं हो तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, एक या दो एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे कि हमें क्या आ जाए, ड्यूअलिटी के ऊपर क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस पता चल जाए। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 243 में दे रखा है आपको, एक नेटवर्क दे रखा है और आपसे क्या पूछा है, इसका ड्यूअल नेटवर्क आपको बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उसी स्टेप्स को फॉलो करके आपको क्या करना है, ड्यूअल नेटवर्क अपना ड्रॉ करना है। तो चलिए देखते हैं उन स्टेप्स का क्या सिग्निफिकेंस या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, लूप आइडेंटिफाई करिए, 1 2 3। तो लूप नंबर 1, लूप नंबर 2 और लूप नंबर 3, तीन लूप आइडेंटिफाई कर लिए, और एक आइडेंटिफाई करिए, दैट इज अवर रेफरेंस लूप, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 1 2 3 जितने भी लूप है वहां पे 1 2 और 3, और एक हमारा आउटर में क्या कर दोगे, दैट इज रेफरेंस नोड लगा दोगे। इन लूप्स के अंदर एक एक नोड लगा दिया, उस नोड पे हम लोगों ने 1 2 3 और एक रेफरेंस ले लिया, ठीक है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, सपोज करो I1 करेंट डायरेक्शन, I2 करेंट डायरेक्शन और I3 करेंट डायरेक्शन, कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, अगर इन मेशेस के बीच में वन टू और थ्री मेश है और वन टू हम लोगों ने नोड लिखा है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, नोड बना भी देंगे साथ ही साथ। वन वन नंबर, टू नंबर और थ्री नंबर बना दिया हम लोगों ने, नोड बना दिया। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्या होगा कि सपोज करो वन से मुझे रेफरेंस नोड पर जाना है, तो ये वोल्टेज बीच में आ रहा है, ये वोल्टेज आ रहा है, वन से लगा के इस रेफरेंस नोड तक हमें जाना है तो क्या आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, तो वोल्टेज का ड्यूएल क्या बन जाएगा, वन से रेफरेंस, ये रेफरेंस नोड हम इधर बना देता हूँ लास्ट में, नीचे के साइड में क्या बना देता हूँ, रेफरेंस नोड बना देता हूँ, ठीक है। तो ये रेफरेंस लाइन खींच देता हूँ मैं, पूरा नोड है ये रेफरेंस नोड, ठीक है, तो ये एक नोड है तो रेफरेंस लाइन खींच दी मैंने, ठीक है, ये सारा का सारा हमारा रेफरेंस ही है। तो हम लोगों ने क्या करा, जहाँ वोल्टेज है, वोल्टेज का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है, तो हम लोग करंट का डायरेक्शन भी क्या रखेंगे, वन से रेफरेंस नोड के बीच में अपवर्ड रखेंगे, अपवर्ड रखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा वोल्टेज का, क्या हो गया, करंट हो गया। अब देखेंगे कि यहां से वन से लगा के रेफरेंस नोड के बीच में एक और चीज आ रही है जो कि क्या है, स्विच क्लोज हो रहा है। देखो स्विच क्या हो रहा है, टी इक्वल टू जीरो पे क्लोज हो रहा है, इसका मतलब ड्यूएल क्या बन जाएगा, ओपन बन जाएगा, और वो कहां से कहां तक करेगा, वन से रेफरेंस के बीच में कनेक्ट होगा। बट देखो वोल्टेज और ये स्विच आपस में क्या है, सीरीज में थे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस वन वाले रेफरेंस पॉइंट से यहां पे एक स्विच लगा है जो कि अब क्या हो जाएगा, हमारा ओपन होगा टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक है गाइस। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है, तो यहां पैरेलल में हो गए। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग कि अगर देखें कि वन और टू के बीच में, तो वन और टू के बीच में क्या है, एक इंडक्टेंस, एक इंडक्टेंस लगा है वन और टू के बीच में, तो वन और टू के बीच में अगर हम लोग देखें, वन और टू के बीच में, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, यहाँ इंडक्टेंस है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, एक कैपेसिटेंस लगा सकते हैं वन और टू के बीच में, ठीक है, एक कैपेसिटेंस सी बना दिया हम लोगों ने वन और टू के बीच में। उसके बाद और क्या नजर आ रहा है आपको, यहां से थ्री वाले पॉइंट से लगा के एक रेफरेंस पॉइंट तक और क्या नजर आ रहा है हमें, एक कैपेसिटेंस बीच में आ रहा है, तो यहां पे कैपेसिटेंस का ड्यूएल क्या हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा, कैपेसिटेंस का ड्यूएल क्या हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा, ये भी कर दिया हम लोगों ने। अब देखिए यहां से कि वन और थ्री के बीच में, वन और थ्री के बीच में क्या है, एक रजिस्टर है आर वन, वन और थ्री के बीच में, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर वन क्या हो जाएगा, जी वन में कन्वर्ट हो जाएगा कंडक्टेंस में, तो वन और थ्री के बीच में क्या हो जाएगा, वन और थ्री के बीच में एक रजिस्टर है जो कि क्या चेंज हो जाएगा, कंडक्टेंस जीवन में हो जाएगा। और टू और थ्री के बीच में भी क्या है, एक रजिस्टर है जी टू, तो टू और थ्री के बीच में भी क्या है, एक रजिस्टर है जो क्या बन जाएगा, कंडक्टेंस बन जाएगा जी टू, ठीक है। और क्या बचा है, अब फाइनल ये वाला बचा है, तो जब भी राइट हैंड साइड में, इस साइड हम लोग सोर्स समझते हैं, तो इधर की साइड का जो डायरेक्शन है वो ऐसा ही एज इट इज लेना है, बट इस साइड का क्या लेना है, इधर की साइड का जो भी डायरेक्शन है, ये लेफ्ट राइट मोस्ट पार्ट में जो भी वोल्टेज लगे, चाहे करंट सोर्स लगे, जो भी सोर्स लगे, उसका क्या लेना है हमें, अपोजिट नेचर लेना है। क्या लेना है, अपोजिट नेचर, मतलब करंट अपवर्ड है तो इधर वोल्टेज में कन्वर्ट होगा, ये कहां से कहां तक है, टू से लगा के रेफरेंस तक, तो टू से लगा के रेफरेंस अगर देखें, तो टू से लगा के रेफरेंस है तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा, और वोल्टेज ये अपवर्ड पोलरिटी है तो यहां पर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड पोलरिटी बन जाएगा। तो आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, ये वोल्टेज भी हो जाएगा कि ये आपको क्या करना है, ये जो भी अपवर्ड है इसको क्या करना है, डाउनवर्ड अपोजिट लेना है। अगर सपोज करो यहाँ पे एक प्लस माइनस वोल्टेज वी वन हो जाता, तो इधर करंट सोर्स कैसे कन्वर्ट हो जाता, यहाँ करंट सोर्स इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में लग जाता, ठीक है। तो ये रहा आपका ड्यूएल नेचर, इसका और इसका एक दूसरे के क्या है, ये ड्यूएल है। तो आपको क्या रखना है प्रोसीजर में, कि जितने भी आपको मैसेज दिखाई देंगे वो आप टिक कर दीजिए, उनके बीच में नोड वन टू थ्री, और एक रेफरेंस ले लीजिए, और जो जो बीच में आते जा रहे हैं वहां ड्रॉ कर लीजिए। तो इस तरीके से आप ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट क्रैक कर पाएंगे, आपके कॉलेज में काफी यूजफुल है ये, गेट के लिए बिल्कुल भी काम का चीज नहीं है, ठीक है गाइस। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसको एंड अप करते हैं जल्दी से। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इस सर्क्यूट को आप दे रखा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 244 के फॉर्म में, इसका क्या करना है, आपको ड्यूएल बनाना है। तो इसको ड्यूएल बनाते टाइम पे आपको क्या रखना है, वापस हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे वन, इसमें लगा देंगे टू, और इसमें लगा देंगे एक रेफरेंस पॉइंट थ्री,
ठीक है। अब वापस से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी हम लोग क्या कर देंगे, दो पॉइंट ले लेंगे, दैट इज वन, और दूसरा ले लेंगे हम लोग टू, दूसरा ले लेंगे इस साइड में हम लोग क्या ले लेंगे टू पॉइंट, ठीक है। और एक हम लोग रेफरेंस ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज अवर रेफरेंस, ठीक है, ये रेफरेंस हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो यहां पे, यहां से वन से अगर इधर देखेंगे तो 8 वोल्ट क्या लगा हुआ है हमारा वोल्टेज सोर्स, तो क्या हो जाएगा 8 एम्पेयर का क्या हो जाएगा करंट सोर्स हो जाएगा, 8 एम्पेयर का क्या हो जाएगा करंट सोर्स। तो यहां से इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, एक करंट सोर्स 8 एम्पेयर का क्या लग जाएगा करंट सोर्स, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, वन से लगाकर रेफरेंस तक एक 3 ओम का क्या है रजिस्टर है, तो ये क्या हो जाएगा कंडक्टेंस हो जाएगा, और वोल्टेज और ये रजिस्टर काय में है सीरीज में है, तो अब काय में लग जाएगा, ये पैरेलल में लग जाएगा, पैरेलल में लग जाएगा वन से थ्री तक। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि वन से रेफरेंस नोड तक क्या हो जाएगा 3 सीमेंस, ठीक है। या तो 1/3 ओमिक वैल्यू को क्या कर सकते हैं 1/3 भी लिख सकते हैं ओम, तो ये हो जाएगा 3 ओम 1/ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा असल में सीमेंस हो जाएगा, या फिर 3 सीमेंस भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है 3 सीमेंस। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि यहां से 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में क्या है आपको एक करंट सोर्स है, तो हम लोग 1 और 2 के बीच में क्या लगा देंगे एक वोल्टेज सोर्स लगा देंगे, एक वोल्टेज सोर्स लगा देंगे 1 और 2 के बीच में अभी, ठीक है। अब वोल्टेज सोर्स का पोलरिटी क्या होगा, 4 वोल्ट का क्या हो जाएगा वोल्टेज सोर्स पोलरिटी देखेंगे, तो पोलरिटी अगर देखेंगे तो I1 - I2, मतलब इस लूप से अगर देखें हम लोग तो यहां I1 से लगा के 2 के बीच में देख रहे हैं, तो I1 - I2 लेंगे तो I1 क्या हो जाएगा हर पोलरिटी पे, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते प्लस माइनस 1 की साइड में हम लोग पॉजिटिव, और माइनस किसकी साइड में लोअर पोलरिटी किसके साइड में सेकंड के साइड में, क्योंकि 1 से 2 के बीच में देख रहे हैं, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं I1 को हम लोगों ने डोमिनेटिंग ले लिया था I1 - I2 = 4, तो V1 - V2 = क्या हो जाएगा 4 आना चाहिए। उसके बाद देखें अगर तो 2 से लगा के फिर रेफरेंस तक क्या है 2 ओम है, तो 2 से लगा के रेफरेंस तक वापस से क्या हो जाएगा, वापस से रेफरेंस तक 2 सीमेंस का रेफरेंस लग जाएगा। उसके बाद लास्ट क्या बचा है, यहां से लगा के यहां तक, बट इस टाइम पे क्या लेना है अपोजिट लेना है, तो 6 वोल्ट काय में चेंज हो जाएगा 6 एम्पेयर में चेंज हो जाएगा, और अपोजिट है तो अभी तो अपवर्ड पोलरिटी है वोल्टेज का पोलरिटी, बट करंट का पोलरिटी क्या हो जाएगा डाउनवर्ड हो जाएगा, दैट इज डाउनवर्ड 6 एम्पेयर। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पर V1 - V2 भी क्या है 4 वोल्ट, और यहां से भी करोगे तो 4 वोल्ट आएगा, और इस तरीके से ये ड्यूअल नेचर बन चुका है। तो ड्यूअलिटी बहुत आसान है, गेट के लिए काम का नहीं है, किस किस के लिए काम का, यूनिवर्सिटी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए बहुत जरूरी है नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि वहां सेमेस्टर में क्वेश्चन जरूर आता है। सेकेंड वन, जो भी AS या ES के कन्वेंशन लिखते हैं वहां छोटा सा 1 या 3 से 4 नंबर में एक ड्यूअलिटी का सर्क्यूट आ जाता है, कई बार ऐसे तो नहीं आता है बट रेयर चांसेस आ जाए। और गेट के 1 मार्क्स के लिए तैयार रहिए कि हो सकता है इजी पेपर इतना बन जाए कि हमें इजीनेस ही नहीं पता है, पता चले टफ चीजें करके चले गए, इजी चीजें छोड़ के चले गए, और क्वेश्चन पूछ लिया इजी फॉर्मेट से, जो कि 2019 में हुआ भी था, ठीक है गाइस। तो चलिए इसी के साथ हम लोग ड्यूअलिटी को एंड करते हैं, ड्यूअलिटी में इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है, जितना भी है मैंने आपको नेटवर्क में बताते जा रहा हूं कि किन टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है और किस पे कम फोकस करना है। तो ड्यूअलिटी क्या है, कम फोकस करने वाली चीज है। तो चलिए, ओके, थैंक यू।